भाइयों बहनों, अभी दो दिन पहले मैं न्यूज में देख रहा था कि एलिफेंटा द्वीप के तीन गांवों में आजादी के 70 वर्ष बाद बिजली पहुंची है और इसे लेकर वहां के लोगों में कितना हर्ष और उत्साह है। आप सब भली भांति जानते हैं एलिफेंटा द्वीप मुंबई से समुद्र में 10 किलोमीटर दूर है। यह पर्यटन का एक बहुत बड़ा और आकर्षक केंद्र है। एलिफेंटा की गुफाएं यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज है। वहां हर दिन देश विदेश से बहुत बड़ी मात्रा में पर्यटक आते हैं। एक महत्वपूर्ण टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। मुझे यह बात जानकर के हैरानी हुई कि मुंबई के इतने पास और पर्यटन का इतना बड़ा केंद्र होने के बावजूद आजादी के इतने वर्षों तक एलिफेंटा में बिजली नहीं पहुंची हुई। 70 वर्षों तक एलिफेंटा द्वीप के तीन गांव राजबंदर, मोरबंदर और श्वेत बंदर, वहां के लोगों की जिंदगी में जो अंधेरा छाया था, अब जाकर वह अंधेरा छटा है और उनका जीवन रोशन हुआ है। मैं वहां के प्रशासन और जनता को बधाई देता हूं। मुझे खुशी है कि अब एलिफेंटा के गांव और एलिफेंटा की गुफाएं बिजली से रोशन होंगे। ये सिर्फ बिजली नहीं, लेकिन विकास के दौर की एक नई शुरुआत है। देशवासियों का जीवन रोशन हो, उनके जीवन में खुशियां आए, इससे बढ़कर संतोष और खुशी का पल क्या हो सकता है।